मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से राजस्थान के जो 8 स्थानों पर यह कार्यक्रम हो रहा है, हनुमानगढ़, चूरू, सिरोही, बूंदी, करौली, मैं सबसे पहले तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं कि उन्होंने कोरोना के समय में जो स्थिति उससे ये याद करते हुए कि हमारी क्या क्या आवश्यकता है उनको पूरा करने का और शिलान्यास करने का आज का ये कार्यक्रम मंच पर मंचासीन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री सम्मानीय गजेंद्र सिंह जी खीलसर साहब, यहाँ के हमारे विधायक बहादुर सिंह जी कोहली साहब वेर के विधायक, डी कुमेर के विधायक डॉक्टर शैलेश सिंह जी, भरतपुर शहर के विधायक सुभाष गर्ग जी, बयाना के विधायक ऋतु बानावत जी, हमारे पूर्व विधायक विजय बंसल जी, गायत्री राठौर जी प्रमुख शासन सचिव, सुचित त्यागी जी यहाँ के प्रभारी, सभी मंच पर विराजमान अतिथिगण और मेरे सामने बैठे सभी भाई और बहनों, सबसे पहले तो जन जन के स्वास्थ्य को समर्पित इस महत्वपूर्ण समारोह में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी को ज्ञात है जिस तरह से आज धनतेरस है, हम आज धनवंतरी जयंती भी मनाते हैं। धनवंतरी भगवान जिन्होंने जिस तरह से आयुष का हर क्षेत्र में उन्होंने हमको, क्योंकि वो हमारे देव माने जाते हैं, उन्होंने इस क्षेत्र में स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमको अद्वितीय धरोहर हैं, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से हमको हमारी संस्कृति के भाग बनते हुए हर क्षेत्र में धनवंतरी भगवान ने एक चिकित्सा पद्धति के क्षेत्र में हम कह सकते हैं कि हमारा भारत सबसे आगे है, जिसकी भौतिक समृद्धि और स्वास्थ्य को महत्व दिया गया है। यह पर्व हमने जीने का सलीका भी सिखाता है, यह पर्व बताता है कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है और इसके बिना जीवन में उपलब्धता संभव नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, और पहला सुख निरोगी काया ये व्यक्ति के स्वास्थ्य पर पूरी तरह से हम ध्यान दें। हम हर चीज को स्वास्थ्य के प्रति ऐसा नहीं लेंगे लापरवाही की तरह से हम लें, उसको हम अगर ठीक प्रकार से चलेंगे तो पहला सुख निरोगी काया होता है। धन का भोग करने के लिए लक्ष्मी जी की कृपा के साथ ही उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घ आयु होना आवश्यक है। भगवान धनवंतरी को देवों का वैद्य कहा गया है, वो देव वैद्य हैं का पद हासिल भी उन्होंने आयुर्वेद से परिचय कराया। कहते हैं भगवान धनवंतरी को सभी रोगों का चिकित्सा पद्धति में बहुत ही बड़ा योगदान है। प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से मैं आयुर्वेदिक सहित पूरी आयुष चिकित्सा को नया मुकाम मिला है। राजस्थान आयुष मिशन के लिए 344 करोड़ रुपए की कार्य योजना के तहत आयुष संस्थागत ढांचे को आयुष्मान आरोग्य मंदिर और गुणवत्ता औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। हमने अजमेर में आयुर्वेदिक योग प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय और महुआ तोसा में आयुर्वेदिक महाविद्यालय की स्थापना करने जा रहे हैं। हमने 8 जिला मुख्यालयों पर संचालित औषधालयों को जिला आयुष चिकित्सालय बनाने का और उन्हें क्रमोन्नत करने का काम किया है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सोच कि गांव, गरीब और हर जरूरतमंद को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिले, धन के अभाव में कोई भी जांच, दवा या उपचार से वंचित नहीं रहे, हर व्यक्ति को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ हो और हर देशवासी का स्वास्थ्य उत्तम रहे, ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है। इसी संवेदनशीलता और मानवीय भाव के साथ आज भगवान धनवंतरी की जयंती पर चिकित्सा संस्थानों का लोकार्पण एवं शिलान्यास का कार्यक्रम हो रहा है। साथ ही 70 वर्ष से अधिक आयु के हमारे बुजुर्गों के लिए आयुष्मान भारत योजना में निःशुल्क उपचार की सौगात दी गई है। आज स्वास्थ्य की दृष्टि से उपयोगी कई अन्य कार्यक्रम भी की सौगात दी गई है। कोविड महामारी ने हमें कई सबक दिए हैं। दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने 21-22 में स्वास्थ्य संसाधनों
को मजबूत ढांचा बनाने के लिए पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना लागू की है। इसके तहत उपस्वास्थ्य केंद्रों के लिए भवन निर्माण, ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट, इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, क्रिटिकल केयर ब्लॉक निर्माण जैसे आधारभूत ढांचे के काम शुरू किए गए हैं। ये बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश में 1111 रहे भवन रहित उपस्वास्थ्य केंद्रों में से 735 पूर्ण हो चुके हैं। इसके अलावा 184 ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट, 33 इंटीग्रेट हेल्थ लैब, 519 शहरी आरोग्य मंदिरों में 33 क्रिटिकल केयर ब्लॉक के कार्य जल्दी पूर्ण कराए लिए जाएंगे। आज करीब 211 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जाने वाले 8 क्रिटिकल केयर ब्लॉक भरतपुर, धौलपुर, चूरू, बूंदी, चित्तौड़गढ़, सिरोही और करौली में व हनुमानगढ़ का शिलान्यास किया जा रहा है। आईसीयू बेड, ऑक्सीजन, वेंटिलेशन, आइसोलेशन बेड, ऑपरेशन थिएटर, अन्य इमरजेंसी केयर सुविधाओं से सुसज्जित इन क्रिटिकल केयर ब्लॉक की स्थापना राज्य में संचालित जिला चिकित्सालय, मेडिकल कॉलेज, अस्पतालों में की जा रही है। राजस्थान हेतु स्वीकृत 33 क्रिटिकल केयर ब्लॉक के लिए 867 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। साथियों, एक समय था जब जरूरतमंद वर्ग के लोगों के लिए बड़े अस्पताल में इलाज कराना सपना था। धन के अभाव में व्यक्ति की जान चली जाती थी या पूरा परिवार कर्ज में डूब जाता था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने गरीब की पीड़ा को समझा और देशवासियों के लिए आयुष्मान भारत योजना को लेकर के आए। दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना ने देशवासियों को न केवल इलाज के खर्च की चिंता से मुक्त किया बल्कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नई क्रांति पैदा की। योजना का लाभ अधिकाधिक लोगों को मिल सके इस देखते हुए लगातार इनका दायरा भी बढ़ाया जा रहा है। हमारे बुजुर्ग इलाज के लिए किसी पर निर्भर ना रहे, इसी भावना के साथ 70 वर्ष से अधिक के वृद्धजनों को इस योजना की निःशुल्क श्रेणी में शामिल किया गया है। इससे प्रदेश में भी बड़ी संख्या में पात्र वृद्धजनों की योजना का लाभ निःशुल्क इसमें मिल सकेगा। यह बताते हुए गर्व है कि बुजुर्गों को सम्मान के साथ उपचार उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने 49 जिला चिकित्सालयों में रामाश्रय बाग शुरू किए हैं। इन बाड़ों में जांच और उपचार सहित अन्य स्वास्थ्य सेवाएं बुजुर्गों को बेड पर ही उपलब्ध कराई जाएंगी, उनको कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। हमने केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं प्रदेश में संचालित स्वास्थ्य बीमा को एकीकृत कर दिनांक 19 फरवरी को 2024 से मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य यानी कि माँ योजना प्रारंभ की है। हमने एक नए पैकेज शामिल करने के साथ ही इसके दायरे का भी विस्तार किया है। मैं बताना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की थी। इस योजना के प्रचार प्रसार पर पानी की तरह पैसा बहाएगा। लोगों को 25 लाख तक का बीमा कवर देने का वादा किया, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। योजना में केवल कुछ लोग ही ऐसे थे, कुछ लोग 25 की बात करते थे, उन परिवारों को 5 लाख से ऊपर का इलाज मिला। इस प्रकार से ये योजना सफलतापूर्वक लागू नहीं हो सकी। हमने इसकी खामियां दूर करते हुए मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना माँ योजना हमने प्रारंभ की है और हमने कहा है कि 5 लाख तक नहीं 25 लाख तक हमारी इस योजना में इलाज होगा। वर्तमान योजना को आम जन के लिए अधिक से अधिक लाभदायक बनाने हेतु अन्य राज्यों की सर्वोत्तम पद्धतियों को राज्य में संचालित योजना में शामिल कर वर्तमान योजना को और अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है। हमारी सरकार ने योजना में कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के लिए 73 डे केयर पैकेज शामिल किए हैं। शिशुओं एवं छोटे बच्चों के इलाज के लिए नए पैकेज हमने जोड़े जा रहे हैं। अन्य राज्य के मरीजों को राज्य में उपचार देने के लिए पोर्टेबिलिटी लागू किए जाने हेतु कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश में 1.33 करोड़ से अधिक परिवार इस योजना में पंजीकृत हैं एवं 1800 से अधिक अस्पताल सूचीबद्ध हैं। 1800 से अधिक पैकेज योजना में उपलब्ध हैं। योजना में राज्य के एम्पनेट अस्पतालों में विभिन्न किडनी, लीवर, हार्ट,
बोन मेरो ट्रांसप्लांट जैसी गंभीर बीमारियों का भी उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने टीकाकरण कार्यक्रम को सुदृढ़ करने के लिए यू विन पोर्टल देश को समर्पित किया। राज्य में पोर्टल पर 13 लाख से अधिक बच्चे रजिस्टर हो चुके हैं। प्रदेशवासियों को शुद्ध खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए हम मिलावट पर बाहर अभियान चला रहे हैं। हमारी इस पहल का परिणाम रहा है कि इन्फोर्समेंट सैंपल लेने में राजस्थान देश में प्रथम पायदान पर खड़ा है। ओपीडी की पर्चियों पर मानसिक स्वास्थ्य परामर्श एवं भावनात्मक सहयोग के लिए टेलीमानस हेल्पलाइन नंबर अंकित किया जा रहा है। 11,500 से अधिक स्वास्थ्य कल्याण केंद्रों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर में परिवर्तित किया गया है। महंगी दवाओं की चिंता से मुक्ति के लिए हमने अभी पहले जो हमारी जन औषधि केंद्र चल रहे थे उसके 180 से अधिक नए प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोले हैं, जिससे कि मरीज को सस्ती दवा मिल सके। अल्प अवधि में ही हमारी उपलब्धियां बताने के लिए काफी है कि हमारे इरादे कितने मजबूत हैं, हम समर्पित हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिस तरह से हमारी सरकार ने काम किया है, मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूं, जिस संकल्प पत्र को लेकर के हम आपके बीच में आए थे, आपने अन्य योजनाओं का जिक्र में करता लेकिन समय कम है, मैं आपसे कहना चाहता हूं राजस्थान के अंदर हमारी सरकार ने जिस तरह से 10 महीने के अंदर काम किया है आपने देख रहे हैं। चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे गरीब हो, चाहे मजदूर हो, किसान हो, हमने उनके लिए काम किया है। आने वाले समय में राजस्थान में जो हमने युवाओं से वायदा किया है, 1 लाख हम इस एक वर्ष में 1 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे, सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। आने वाले 5 साल में 4 लाख सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। हमने कहा प्राइवेट तौर पर हम 6 लाख देंगे, लेकिन हम कहना चाहते हैं हम इस 6 लाख के जो आंकड़ा है इसको भी हम पार करेंगे, क्योंकि हम कह सकते हैं आपने देखा होगा क्या हमने अभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की 60,000 जगह निकाली है, 23,000 जगह हमने सफाई कर्मियों की निकाली है, 7,000 जगह हमने ड्राइवरों की निकाली है। ये ऐसी जगह है, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं क्या ये 10 महीने की वैकेंसी है जो 60,000 वैकेंसी हमने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की निकाली है। मैं कहना चाहता हूं पूर्ववर्ती सरकार से, अरे उन किसान के बेटों से, उन मजदूरों के बेटे से आपका ऐसी क्या दुश्मनी थी, आपने क्यों नहीं निकाली? अगर मेरे किसान के बेटे को अगर नौकरी मिलती तो उसका परिवार हो सुख से रहता, शांति से रहता, उसके परिवार में आय बढ़ती, तो आपको क्या नुकसान हो जाता? मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि जो आपने मन में बिचारा है और जिस भावना से भारतीय जनता पार्टी को आप लेकर के आए हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम उस संकल्प पत्र को जो हमने आपके सामने रखा है हम एक एक वायदे को पूरा करेंगे। आपने देखा होगा 10 महीने के अंदर, 10 महीने के अंदर हमने जो संकल्प पत्र में वायदे किए थे, ये आपके देखने वाली बात है, आप देख सकते हैं संकल्प पत्र भी आपके सामने है। हमने 50% के लगभग हमने 10 महीने में उन वायदों को पूरा किया है, 10 महीने में, जबकि वो 5 साल के लिए थे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के घोषणा पत्र को भी देख लीजिए और ये मत देखिए पिछले वाला, 4 बार के देखिए, मालूम पड़ जाएगा कि सिर्फ झूठी घोषणाओं के अलावा वो कुछ नहीं करते। और मैं इसीलिए कहता हूं जिसके इरादे मजबूत होंगे, दृढ़ इच्छा शक्ति होगी करने की, निश्चित रूप से राजस्थान की जनता उस बात को देख रही है। हमारी सरकार गरीब, मजदूर, किसान, युवा, महिला के लिए समर्पित है, हमारी सरकार विकास के लिए समर्पित है। मैं इतना ही आप सभी से कहना चाहता हूं, आज धनतेरस है, परसों दीपावली है,